अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अच्छा तो यार मैं अभी बाहर निकला था गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए ना, तो मैं जो है एक जगह पे आके बैठ गया हूँ और वो है पंचर वाले की दुकान। तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने बोला चलो वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हुए क्या सीन है यहाँ पे। तो भाई ये भाई हैं यहाँ पे, ये पंचर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इनसे भी मेरी बात वगैरह हो रही थी, तो वीडियो भैया ये इनका सारा सेटअप है, सारा सामान है, ऑयल वगैरह चेंज करते ही हैं यहाँ पे, और ये पंचर वगैरह का भी सिस्टम है, ये नाम है इनका, ये सारा सेटअप है। ये तो मैंने अपने कॉपी इधर बाप ये समथिंग ही नहीं बाप ओके भाई इनको जो है ना असल में मकसद शर्मा रही है और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है वो लेडीज़ वगैरह हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, खाना वाना बना के बेचते हैं, उनका घर करीब में है, तो उस तरीके से तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके का टूल वगैरह इनके पास बेहतरीन किस्म का रखा हुआ है, सारा अलग जो है वो आप देख सकते हो। बाकी ये सारी लोकेशन है, ठीक है। सो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट ये कि मेरे ख्याल से दिन में जो है ना यहाँ पे ज़्यादा रश होता होगा इस वजह से। सो इस तरीके के छोटे मोटे काम होते रहते हैं यहाँ पे ना, तो लोग अपना सर्कल चलाते हैं और काम करके अपनी डेली जो ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। अच्छा तो भाई ये पेट्रोल पंप है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं पेट्रोल लगाना आया हूँ गाड़ी के अंदर, अपना स्कूटी है मेरे पास इसके अंदर। सो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर अभी फ्यूल जो है वो इतना है और इसमें कितने का फ्यूल डलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और कितना लीटर फ्यूल डलता है, ठीक है। ये सारा सिस्टम है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो। ये बैरियर लगे हुए हैं, ये दो लाइनें, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना सब लोग लाइन में लग के अपना नंबर का वेट करते हैं यहाँ पे, और जब नंबर आता है तो फिर पेट्रोल डलवा के आगे से मूव हो जाते हैं। सो ये सारा सीन है यहाँ का ना। तो भाई देखते हैं आगे पेट्रोल कितने का डलता है, इसकी टंकी कितने की फुल होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं आपको इतना बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना पेट्रोल जो है उसको गैस कहते हैं, गैस हमारे यहाँ तो LPG को कहता है ना, तो यहाँ पे गैस कहते हैं। खैर बट ये कि यहाँ पे जो है ना ये पेट्रोल जो है वो सस्ता बहुत है, सस्ता मकसद इनके हिसाब से तो महंगा है, बट अपने पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना वो सस्ता है। अपने पाकिस्तान में तो पता 250-300 रुपये का चल रहा होगा, अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट ये कि यहाँ पर जो है ना सस्ता है पेट्रोल इनके, मगर इनको वो भी भारी लगता है, ठीक है ना। और मैं जैसे कि अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ, फुल टंकी करवाऊँगा, तो मैं इसको दो दिन बाद दोबारा से फिर पेट्रोल डलवाऊँगा। दो दिन मेरे आराम से एक टंकी के अंदर निकलते हैं स्कूटी के अंदर। और मेरे ख्याल से स्कूटी के अंदर जो पेट्रोल आता है वो 2 से 2.5 लीटर की टैंक गैस का, और उसमें 2-2.5 लीटर के अंदर मैं खूब जाने के चलाता भी हूँ। दो दिन अगर मेरे निकल रहे हैं तो मेरा तकरीबन रोज़ का जो है 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रनिंग है, और अलग अगर मैं यहाँ पे कहीं पे घूमता फिरता हूँ तो वो सीन अलग है, ठीक है ना, वो काउंट नहीं कर रहा मैं। तो ये सारी कहानी है। और यहाँ पे जो है फ्यूल पंप के ऊपर लेडीज़ भी काम करती है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल तो मैन है, उसे लड़के लगे हुए काम पे, और ये कि अगर मॉर्निंग में आओ तो यहाँ पे लेडीज़ आपको काम करती हुई नज़र आएगी। और सारा सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है क्या नहीं है।
किलोमीटर आ रहा है यहाँ पे ना, देखते हैं कितना आता है। बकाश की आउट 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 सीट तो भाई ये सिलेंडर रहा है भाई। तो ये जो है वो मेरा पेट्रोल हो गया है 1 लीटर, आप देख सकते हो। और कितना लीटर आया है, कितने का आया है ये, बाकी इंडोनेशियन रुपये इसमें 27 या 28 हज़ार रुपये का आया है जो इंडोनेशियन रुपीज़ में है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट टंकी फुल होगी ये, ठीक है। और अगर इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से यार ये 27-28 हज़ार रुपये जो हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप 1 रुपया कन्वर्ट करके देखेंगे तो पाकिस्तानी और इंडोनेशिया की जो करेंसी का डिफरेंस है ना वो आपको पता चल जाएगा। तो हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी सी इनकी करेंसी से ऊपर है अभी फ़िलहाल, बट ये क्या कुछ कह नहीं सकते आने वाले वक्त में, मे बी के इनकी करेंसी ऊपर हो जाए और हमारी करेंसी नीचे हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात, सॉरी यार मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट ऐसा है कि हकीकत है कि हमारे जो हालात हैं वो अभी इस तरीके के नहीं हैं। और अच्छा यहाँ पे जो है ना ये लोगों को जो है ना स्पोर्ट्स बाइक और कार वगैरह करने का बड़ा शौक है, तो आप देख सकते हो। तो ये कहानी है सारी। सो करेंसी का कह रहा था मैं, करेंसी जो है वो हमारे यहाँ की और इनके यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंस है, और डिफरेंस का मकसद अपना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उससे है डिफरेंस तो है, ज़्यादा हो या कम हो बट डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप लोग गूगल कर लिएगा यार, अभी मुझे एक्सेल में याद नहीं आ रहा कितना 1 रुपये हमारा कितना यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस है अच्छा, यहाँ पे जो है ना अलग अलग किस्म के पेट्रोल हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये पॉप बाइक, यहाँ पे अलग पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, उस जगह पे अलग है पेट्रोल मैक्स के नाम से, वहाँ पे ये पेट्रोल लगती है, और ये दूसरा वाला पेट्रोल पंप है ये अलग है, ये कार वगैरह के लिए है यहाँ पे। सो भाई जान यहाँ पे भी हमारे वाला जो चक्कर है ना वो है पेट्रोल का। सो इस तरीके की कहानी है। सो अभी चलते हैं फ़िलहाल तो घर की तरफ, फिर देखते हैं बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है ना।